चलिए अब हम निकलते हैं मॉरिशियस की सैर पे। मगर सैर पे जाने से पहले हम उस मुल्क की मालूमात मुख्तसर हासिल करते हैं कि मॉरिशियस एक अनोखा मुल्क है, बहुत खूबसूरत हसीन जज़ीरों से भरा। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नसाद लोग रहते हैं। वहाँ उर्दू हिंदी बोली पढ़ी और लिखी जाती है और मॉरिशियस से तालिब इल्म हिंदुस्तान इल्म हासिल करने आते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और लखनऊ। इसी तरह अतहर परवेज़ मरहूम का ताल्लुक भी जामिया मुक्तबे जामा और अलीगढ़ से रहा। इसी तरह मुसन्निफा की एक तालिब इल्म यास्मीन बोधी भी मॉरिशियस की थी और उन्होंने मुसन्निफा को मॉरिशियस आने की पुरजोर दावत दी। मुसन्निफा को मॉरिशियस बहुत पसंद था, इसी तरह उन्होंने वादा कर लिया और खुदा बड़ा मुसब्बुल अज़बाब है। मुसन्निफा की मॉरिशियस की सैर की तैयारियां शुरू हो गई। मॉरिशियस में उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है और हिंदुस्तान से एक वफद मॉरिशियस जा रहा है, इसमें मुसन्निफा का नाम भी शामिल था। बस फिर क्या था, शाम को 5 बजे मुसन्निफा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के एयर इंडिया के काउंटर पर खड़े हो गए और लाइन में लग गए। एयर इंडिया की फ़्लाइट 11 बजे के करीब पहुंचने वाली थी और मॉरिशियस की फ़्लाइट 3 बजे थी। मुसन्निफा का सोते जागते सफ़र तय हुआ। बम्बई पहुंचकर फौरन मॉरिशियस आ गए। मॉरिशियस का सफ़र बम्बई से 6 घंटे का है, वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है। मुसन्निफा ने फ़्लाइट में फिल्म और 11 बजे जहाज़ से मॉरिशियस पर लैंड किया। मुसन्निफा को बहुत से लोग लेने आए थे, उनके साथ लखनऊ के मेयर और उनकी बेगम भी साथ थी। वो उर्दू के बहुत अच्छी तरह जानने वाले थे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एक पर्चा भी पढ़ा जिसका मौजू था उर्दू और सेक्युलरिज्म, और इस तरह मुशायरा उन्होंने नोट लिया। यह हमने 3 पैराग्राफ की वजाहती वीडियो मुकम्मल की है। अल्लाह हाफिज़।